तो गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो टुडेज आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन. तो मोटिवेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन का उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. फैक्टर्स क्या इफेक्ट करेंगे मोटिवेशन के उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्टली मोटिवेशन क्या चीज है. सो इंट्रोडक्शन ऑफ मोटिवेशन. तो मोटिवेशन एवरी मैनेजमेंट ट्राइज टू कोऑर्डिनेट वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. हर इंडस्ट्री का अपने अपने गोल्स है जिसको वो अचीव करना चाहता कहता. द परफॉर्मेंस ऑफ द नॉन ह्यूमन फैक्टर्स लाइक मशीन डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी बट द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन द मोटिवेशन. तो इस लाइन का मतलब है कहता है कि परफॉर्मेंस जो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स लाइक मशीन है डिपेंड्स अपॉन द टेक्नोलॉजी, वो तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेंगे बट जो पर्सन है ह्यूमन जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे, मोटिवेशन पे डिपेंड करेंगे. टूडे इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क टू मेंटेन अ हाईली मोटिवेटिंग वर्क फोर्स. मोटिवेशन इंस्पायर्स पीपल टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. वर्कर्स नीड समथिंग टू कीप देम वर्किंग. समटाइम्स जस्ट सैलरी इज नॉट इनफ फॉर द एम्प्लॉयज टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड टूवर्ड्स देयर टास्क. हेंस आवर मैनेजर मस्ट नो व्हाट मोटिवेट्स हिज एम्प्लॉय. ठीक है, जो सुपरवाइजर होगा या जो मैनेजर होगा उसको उस चीज का पता होना चाहिए, कहता है कि किस चीज से हमारा वर्कर जो मोटिवेट होगा, तो उसे कैसे मोटिवेट करना है. तो वो सारे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम मेथड्स यूज करेंगे. डिफरेंट जो पर्सन सब ने अपनी अपनी वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन दी थी मोटिवेशन की, कहता डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन हम कैसे ले सकते हैं. तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज द विलनेस टू एक्सपैंड एनर्जी टू अचीव अ गोल और अ रिवॉर्ड. ठीक है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स of the force starting and keeping a person at work in an organization. ठीक है, ऐसे ही कह रहा है. Motivation is an inner state that activates or makes and direct behavior of the goal. ठीक है, ऐसे ही कह रहा है. In simple words, motivation encourages people to act in a desired manner. ठीक है, तो ये सारी different personal different definitions दी थी. Motivation can be defined as a willingness to expend energy to achieve the goal or a reward. Motivation is a complex of the force starting and keeping a person at a work in an organization. Motivation is an inner state that activates or makes and direct behavior of the goals. ठीक है, ऐसे in simple words हम बात कर रहे हैं. तो motivation encourages the people to act in a desired manner. तो different persons ने जो different definitions दी है motivation की. फीचर्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स होंगे मोटिवेशन की. क्या था वेरियस फीचर्स ऑफ मोटिवेशन आर गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज मोटिवेशन इज द इनर नीड ऑफ अ पर्सन. गुड परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, रिजल्ट्स भी बेटर होंगे. क्या था मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, ये नहीं है कि हमने एक बार कर दिया प्रोसेस को तो बस बंदा मोटिवेट ही रहेगा, कॉन्टिन्यूसली काम रेगुलर करता रहेगा. तो ये हमें कहता बार बार करनी पड़ेगी ये चीजें. मोटिवेशन इज अ इनर नीड ऑफ अ पर्सन. गुड परफॉर्मेंस इज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग एन इंडिविजुअल टू टेक डिजायर्ड एक्शंस. मोटिवेशन इज अ प्रेजेंट एवरीवेयर. इट इज प्रेजेंट इन ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज. Motivation can be provided by various methods, for example, monetary methods and non-monetary methods. Next, कहता characteristics की बात कर रहे हैं motivation की, क्या क्या characteristics होंगे हमारे पास. तो characteristics में बात कर रहा है, कहता an individual does something to satisfy some basic needs. So it is the responsibility of the manager to motivate the employees towards the organization goals. Through motivation, motivational has some following characteristics. तो basically होता है क्या, जब industry की बात करते हैं हम, तो हमें क्या चाहिए होती है, production चाहिए होती है. तो day by day हम देखते हैं कि आज इतने pieces बन रहे हैं, कल वो अगर 100 pieces बन रहे हैं, कल को 70 pieces बन रहे हैं, तो हमें अपने workers को, अपने subordinates को motivate करना पड़ता है कि हमें ये work properly करना है, हमें इतने pieces चाहिए, demand जो हमारी इतनी है उसको उससे match करना पड़ता है. तो उसमें करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है उसके. मोटिवेशन इज ए पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है.
ठीक है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच जनरेट्स ड्राइव एंड रेडीनेस टू एक्ट विद इन एन इंडिविजुअल. मोटिवेशन इज अ पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सो मैनेजर्स हैव टू स्टडी द मेंटल एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स टू ऑफ एन इंडिविजुअल. मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस. Motivation is a continued process of inspiring, energizing, and activating the employees for the higher level of the performances. Individual has unlimited wants and needs. This process starts with the unsatisfied needs. As soon as the existing needs is fulfilled, another will appear. It is never ending a process. Motivation is a complex subject because individual needs and wants are unpredictable. The level of the need of a person depends upon the psychological aspects. Motivation is a person specific. It is related with the personal behaviors of an employee. Behavior of an individual is the series of activities at the workplace. So the behavior of a person is directed towards the goals through the motivation. Motivation is based on the needs. Needs ke according, theek hai? Motivation is always based on the person needs. Needs may be kehta fundamental ho sakti hai ya ego satisfaction needs ho sakti hai. Fundamental needs mein kehta, these includes food, shelter, clothes, etc. These are also on the basis of the needs. Basics of the needs. Ego, these includes the self-development, self-actualization, self-recognition, and self-esteem, etc. These needs are different from the individual to individual. Person to person, kehta ye cheeze differ karenge. Motivation is a different for the satisfaction. Motivation is an effort to satisfy a want to goal. Satisfaction is experienced when a want is fulfilled. ठीक है, कब और कैसे उसको फुलफिल करना है, मैं चीज को कहता हूं. मोटिवेशन कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव मोटिवेशन इंक्लूड्स एडिशनल पे, प्रेज, इंसेंटिव्स एंड पॉसिबिलिटीज. ठीक है, उसमें हम प्रेज भी कर सकते हैं किसी की, किसी को पे भी कर सकते हैं, कहता इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं, यानी कि हमें इंसेंटिव्स उसमें पे कर सकते हैं. एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट एम्प्लॉय, हम उसमें ये भी उठा सकते हैं, आपको हम परमानेंट कर देंगे. पॉजिटिव मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज अप्रोच. नेगेटिव मोटिवेशन इंक्लूड्स पनिशमेंट सच एज थ्रेट ऑफ द डिमोशंस, थ्रेट ऑफ द टर्मिनेशन. ठीक है, नेगेटिव मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज अ स्टिक अप्रोच. इट इज एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज. ठीक है, तो दो तरह की वो कह रहे हैं बेसिकली, कि टाइप्स हम देखेंगे. तो कहता है हम पॉजिटिव में तो हम उसे बता सकते हैं उसकी पॉजिटिविटी की, हम आपको ये इंसेंटिव दे सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं आपकी. पर कहता है नेगेटिव भी हम क्या कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको हम पनिशमेंट दे सकते हैं इसके बारे में, अगर आपने ये काम प्रॉपरली नहीं किया. ठीक है, और उसमें अपना ये बता सकते हैं कि आपकी सैलरी डिडक्ट हो सकती है. टर्मिनेशन के बारे में बता सकते हैं उसकी, आपकी टर्मिनेशन होगी. तो ये सारी चीजें उस पर. गोल्स आर द मोटिवेटर्स. ठीक है, गोल्स एंड मोटिवेट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. Man works to achieve the goals. As soon as the goal is achieved, he lost interest in work. So it is very essential for the management to know his employees' goals to push them to the work. ठीक है, तो ये हमारे पास थे इसकी characteristics जिसकी हम बात. ठीक है, next हमारे पास है types of motivation. तो types of motivation में हमारे basically दो तरह की motivation है, एक positive और एक negative motivation. ठीक है, तो motivation के बारे में बता रहे हैं, कहता है when a manager wants to get more work from his subordinate, ठीक है, तो he will have to motivate them for improving their performance. ठीक है, motivation encourage people to act effectively in the organization. Every company achieve its goals through the efforts of employee. Company uses incentive for the extracting more work for the rewards, better reports, or fear of getting soft. There are generally two types of motivation. ठीक है,
तो मोटिवेशन में फर्स्ट वन कह रहा है पॉजिटिव मोटिवेशन होगा हमारे पास और नेगेटिव मोटिवेशन होगा। तो पॉजिटिव मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स। हम इसमें क्या कर सकते हैं, कहता है इंसेंटिव दे सकते हैं या रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। द इंसेंटिव मे बी इन द शेप ऑफ मोर पे, ठीक है, हम उनको ज्यादा सैलरी भी ऑफर कर सकते हैं कि हम आपको, ठीक है, सैलरी भी ऑफर कर सकते हैं मैक्सिमम, कहता मे बी शेप इन मोर पे, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्क एटसेट्रा। प्रमोशन के बारे में बता सकते हैं, हम आपको प्रमोट कर देंगे, ठीक है, हायर लेवल पे आपको यहाँ से अगर आप अच्छा काम करोगे, ठीक है। बाय इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज ट्राई टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंसेस विलनेस। पॉजिटिव मोटिवेशन ब्रिंग्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, इट इंक्रीजेस वर्क कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय। पॉजिटिव मोटिवेशन इज अचीव बाय द कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। इस चीज को हम कह रहे हैं तभी अचीव कर सकते हैं जब सभी जो वर्कर्स होंगे हमारे, ठीक है, वो इकट्ठे काम करेंगे। अचीव बाय द कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन साथ में होगा। इट ब्रिंग्स अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अमंग वर्कर्स एंड हेंस दे एंजॉय द वर्क, ठीक है। तो ये चीज क्या बनाएगी, कहता एक थोड़ा अच्छा सा वहां माहौल बना देगी, खुशी टाइप का माहौल बना देगी, हैप्पीनेस अमंग द वर्कर्स एंड हेंस दे एंजॉय देयर वर्क, तभी वो जो वर्कर्स होंगे अपना काम एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें, पॉजिटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द इंसेंटिव्स रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव में भी इन द शेप ऑफ मोर पे, ठीक है, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क। बाय इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज ट्राई टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन ब्रिंग्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस, ठीक है, परफॉर्मेंस से बेटर होगी, क्या था, इट इंक्रीजेस द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव मोटिवेशन टाइप्स में अगर बात कर रहे हैं, तो टाइप्स में हमारे पास नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नेगेटिव इमोशंस सच एज फियर ऑफ द पनिशमेंट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वर्कर्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंगली देन दे मे बी पनिश विद डिमोशंस और अ लेस सैलरी। उसमें हम डिमोशन भी कर सकते हैं, कहता है उसकी, ठीक है, उसकी सैलरी भी, ठीक है, डिटेक्ट करवा सकते हैं कि आपने काम ठीक नहीं किया था, इस दिन की आपकी सैलरी डिटेक्ट होगी है बीच में से। तो ये थोड़ा सा थ्रेट होगा, एक तरह से थ्रेटनिंग करके हम उनको कर सकते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन द नेगेटिव इमोशन सच एज फियर, डर के साथ हम कहते हैं उसे काम करवा सकते हैं, और पनिशमेंट भी दे सकते हैं। पनिशमेंट कैसी होगी, कहता इफ द वर्कर्स डू नॉट वर्क अकॉर्डिंगली देन दे मे बी पनिश विद डिमोशंस और लेस सैलरी। दिस फियर वर्क्स एज अ पुश एंड फोर्स एम्प्लॉयज टू वर्क हार्ड। इन दिस टेक्निक एम्प्लॉयज डू नॉट कॉपरेट, दे डू वर्क जस्ट टू अवॉइड द पनिशमेंट, ठीक है। नेगेटिव मोटिवेशन हैज बैड इफेक्ट्स ऑन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन ब्रिंग्स एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉयज, ठीक है, गुस्सा भी आएगा, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, क्या था, to the employees. It becomes root of the several industrial problems like unrest and strikes. तो इस वजह से कहता है जो industries में strikes होती हैं वो भी हो सकती हैं. It affects the relationship between the employee and the employees. ठीक है, employer और employees के बीच में कहता distance increase हो जाएगा. It spikes the drawbacks of the negative motivation. This method is commonly used to achieve the desired results. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, कहता हम इसे पनिशमेंट जैसा रखेंगे कुछ, कि हम इसे अगर ये काम टाइम से नहीं हुआ, ठीक है, इसने ये काम नहीं किया, तो उसमें हम उसे पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट इन टर्म्स हम दे सकते हैं, कहता उसकी प्रमोशन नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी सैलरी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली थोड़ा डर रहेगा वर्कर को, तो उसके कहते हैं डिसएडवांटेज दे डू नॉट वर्क जस्ट टू अवॉइड द पनिशमेंट। Negative motivation has bad effects on the working efficiency of the workers. This type of motivation brings anger and frustration. So, ये थोड़ा सा गुस्सा भी workers को कराएगी, ठीक है, frustration होगी. It becomes root of the several industrial problems like unrest and strikes. It affects the relationship between the employees and employees. Despite drawbacks of the negative motivation, this method is commonly used to achieve the desired results. ऐसे कहते हैं next importance. क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगे हमारे पास, मोटिवेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, कहता मोटिवेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इवन ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजेस द एम्प्लॉयज
to for the doing more work. Motivating employees become an asset to the organization. The following points highlighted importance of the motivation. High performances, okay, first one is a high performance, low employee turnover, better organizational images, acceptability for the changes, better industrial relations, creates the confidence among the employees, kata productivity increase hogi and increasing all around the efficiency. So 8 points and importance mein count kar rahe hain. So first one is a high performance. Motivating employees put maximum efforts for achieving the organization goals. Motivating employees give better performance and increases the productivity. The employees should be offered incentive and they otherwise also deserve for the increased efforts. ठीक है तो perform basically क्या होगी जब हम किसी को motivate करेंगे तो performance increase होगी कहता the employees should be offered incentives. ठीक है तो employees को incentives भी मिलेंगे तो उससे क्या होगी जो हमारी industry की performance होगी वो भी increase करेगी. Low employee turnover. When the employees are not satisfied with their job, they tend to leave it. Motivated employees are more satisfied with their job and hence they do not leave the organization rather than looking for another high paying job. Motivated employees try to increase their performance in the current job. ठीक है जो motivated person होगा कहता है वो क्या करेगा अपने performance को और अच्छा करना चाहेगा वहीं में वो satisfied होगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं बट जो अनमोटिवेटेड होगा वो कहेगा मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ मैं दूसरी जगह जॉब कर लेता हूँ. ठीक है तो वही इसमें लाइन में लिखा है व्हेन द एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब दे टेंड टू लीव वो छोड़ देंगे. इट मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब एंड हेंस दे डोंट लीव द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कहता है बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेजेस द एंटरप्राइज विच ऑफर बेटर monetary and non-monetary benefits to their employees have a better image among them. Such enterprise attract better qualified and experienced persons. All employees want to work for such an organization. Acceptability for the changes. Organization changes technology time to time to improve speed and quality of the work. The changes are generally adopted for the improvement, but employees tend to resist such changes. They think that it will have a bad effect on their employment, but motivated employees easily accept these changes. They think of the positive effect of these changes and cooperate with the management. Better industrial relations. A good motivational system creates job satisfaction among the employees. They will give no reasons for the conflicts in the relations between the employees and the employees. Motivation creates a healthy atmosphere and hence improves the employer-employee relations. Okay, creates the confidence among the employees. Motivation creates the confidence among the employees. For example, when the employees achieve the given targets, they are given the incentives in addition to a fixed salary. The feeling brings happiness to them and increase their confidence. Productivity increase hogi kehta. Motivation results in increased productivity. The workers give their best performance, then which helps in increasing the production and profits of the organizations, increasing all around the efficiency. Motivation reduces the conflicts between the management and the workers. It helps in decreasing the wastage, accidents, complaints, and grievances to enhance the customer service. So, ये हमारे पास है importance, ठीक है? Importance motivation के importance of the motivation. ठीक है तो next class में हम next discuss करेंगे next topic.